अल मदीना मैरिज ब्यूरो फ्रॉड के विक्टिम्स आज यहां पर आए, यानी कि अल मदीना के नाम पर जो है तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा का स्कैम कर दिया गया और इस तरह के एग्रीमेंट बनाकर लोगों को धोखा दिया गया। ठीक है, अब अस्सलाम वालेकुम अल्लाह वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सैयद अहमद हुसैन है, शेख महमूद अल मदीना मैरिज ब्यूरो, इनो ब्रांचेस बढ़ाना है, कारोबार करना है, बल्कि मेरे से अब तक 24 लाख रुपए लिए, जो हर 1 लाख रुपए को जो है ना 4 से 5 हज़ार का जो है ना मुनाफा देता हूँ, बल्कि भी बोले, और इसके नाम पे क्या करे, पैसे इतने लिए कि पब्लिक से कम 40-50 लोगों से अब तक पैसे ले लिए, और मेरे भी पैसे जनवरी में लिए, और हज के पैसे लगे हुए थे वो तो हाथ बदल लिए, मैं दे जाता हूँ मई में, बोल के बोले जून की 11 तारीख तक जो है ना इन्हों फिराए। जून की 11 तारीख के दिन शाम में 4 बजे से जो है फ़ोन स्विच ऑफ था, तो हेड ऑफिस इनकी टोली चौकी पे गया था मैं, जाके वहाँ देखा तो क्या है, उन्हों भाग गए बोल के मालूम हुआ फ़ोन स्विच ऑफ है। उसके बाद में हम ना जो है ना CCS में भी कंप्लेंट करे, अब तक जो है ना कोई इसको एक्शन लेने वाले नहीं है, CCS में भी फिर रहे हम लोग। अब जो है ना हम लोग इतनी सख्त ज़रूरत है कि बैंक से लोना भी लिए हमारे नाम पे, इतना खर्चा उल्टा हमारे पैसे ना आके उल्टा हमारे कितने पैसे आपके 8-10 लाख रुपए खर्चा भी डाल के चले आपके कितने पैसे पूरे 24 लाख रुपए है आपके जी। के नाम क्या है उसका? अल मदीना मैरिज ब्यूरो। कौन कौन है उसमें? उसमें शेख महमूद साहब बोल के है, और कौन है साथ में? साथ में कोई भी नहीं है, उन्होंने अकेले छे, उनकी बीवियां है भी, और बीवियां उसमें विटनेस में है उनके, 28 लाख 24 लाख। आपके कितने? जी मेरे 30 लाख रुपए है। निकाल के बताओ जरा सूरत जैसा रहे थे आप? जी मैं बारकस में रहता हूँ, मेरा नाम मदर खान है, मेरे खरीब मेरे भाई बच्चों की शादी के पैसे भी है उसमें, दाल दिए ऐसा करके चले गए, 11 दिन से लापता है, इसलिए हम परेशान है, CCS में कंप्लेंट भी दिए, मगर उसकी कार्रवाई बहुत सुस्त चल रही, स्लो चल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है, पैसे कैसा लगे वो बोलो, बोलो आप कितने आपके? जी 10 लाख तो पैसे हमारे। कहाँ थे नगर? आप? अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल जलील नाम है मेरा, मैं ये इसके ऑफिस के पास ही रहता हूँ, मैं कहाँ पे? टोली चौकी पे। 7.5 लाख रुपए हैं मेरे, मेरे बहन की शादी के थे, मैं रिश्ते के लिए गया था उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को ये स्कीम बताया, ऐसा ऐसा है भाई, आप अभी 1 साल है बोल रहे ना शादी के लिए, आप इसके अंदर ऐड करो, आपको कुछ अमाउंट आता जब तक बोल के, ऐसा एक स्कीम बता के चीट कर दिए हमारे साथ। इसमें अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत लोग हैं यहाँ पे, हैंसो वाले और भी हैं, बहुत सारे जो आ रहे हैं स्क्रीन पर। आप नाम हर दिन आप नाम इन्वेस्टमेंट बोल दो खाली, कितने कितने पैसे एक एक से पूछ लेते जो खाली, कितने आप बोले? हाँ आपके कितने? 10 लाख रुपए जी मेरे। पूछे कितने आपके? 5.5 लाख रुपया है बच्चों की शादियों के वास्ते जो है डाले थे, और जो है लेके पैसा जो है फरार हो गए। आपके बोलिए। मेरे 4 लाख रुपए। आपके? 40 लाख कितने आप? मेरे 40 लाख है, मेरी पूरी फैमिली के, मेरे 3 बहनें हैं उन लोगों की भी। आपके? मेरे 1 लाख है, बेवा हूँ, मेरे सहारा कोई भी नहीं है बोल के रखी, मेरे बच्चे हैं शादी के मेरे, उनकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। आपके? मेरे 50 हज़ार है, मेरे शौहर लेबर वर्क करते, बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, शादी के काबिल है, 3 औरत बच्चियाँ, तो उसके लिए रख ली थी मैं, उनका नहीं, उन्होंने ऐसा देते ना पैसे बोल के, मेरी बहन के 5.5 लाख रुपए है, हम लोग बहुत गरीब है, बहुत मुसीबत से रखा ही मैं पैसे हूँ। वही अब जो है ना हुकूमत से भी जो है ना गुजारिश कर रहे हैं, पुलिस से भी यही गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको पकड़े, और गरीब आवाम जो पैसे मेहनत मजदूरी करके जो जमा करे थे पैसे, इन्होंने पैसों का लालच दिए, कारोबार बढ़ाना है, इंडिया लेवल पे जाना है, और अच्छा इसको जो है ना डेवलप करना है, आपका भी फायदा होता हमारा भी फायदा होता बोल के बोले, कारोबार के नाम पे जो है ना पैसा लेके लोगों को धोखा दे दिए। तो असद साहब से भी मेरी गुजारिश है कि असद साहब भी जो है इसमें मदद करे, और गरीब लोग हैं पूरे जने, मेहनत मजदूरी करने वाले, बैंक के लोना भी है इसमें जो है ना,
हमारे को गैस हो गए क्या करे, उल्टा खर्चा डाल देके चले गए, बैंकों से लोना भी ले लिए, क्रेडिट कार्ड भी उनके पास ही छे, अभी तक पुलिस 3 महीने होगा अभी तक कुछ भी नहीं करी। असद साहब से भी गुजारिश है थोड़ा आप भी जो है ना इसके अंदर थोड़ा देख। भाई मेरे 6 लाख है साहब, मेरे वाली साहब नहीं है, 4 बहना है, बहुत इससे डाला था, मैं तकलीफ देके चले गए, बहुत परेशान है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार साहब से मुतालबा करता हूं कि हैदराबाद जिसको जनाब केटी रामाराव साहब एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं कि हैदराबाद को हेरिटेज सिटी बनाया जाए, जबकि दूसरी तरफ हैदराबाद एक स्कैम सिटी बनता जा रहा है। कभी हीरा ग्रुप, कभी बुशरा सिराज ग्रुप, कभी मनी मेकर्स, कभी नाफिया, कभी आफिया, कभी रिदास इंडिया, इस तरह के स्कैम्स हैदराबाद में आने के बावजूद पुलिस की खामोशी माने कैसे। और हाल ही में एक तिजारा स्कैम भी हुआ जिसको रियाजुर रहमान और उनके साथी ने 2,36,00,000 रुपए अल्लाह रसूल के नाम पर मुसलमान मासूम औरतों से लूट लिए और पुलिस उसमें कार्रवाई करने से खातिर रही। दूसरी बात, ये स्कैम्सर्स पुलिस के कुछ अमले से मिलकर झूठे तरीके से मामूली दफे लगाकर एफआईआर कर इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से मुतालबा करते हैं कि फौरी कार्रवाई करते हुए इस अल मदीना मैरिज बैरो के जो शेख महमूद हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये लोग जब आप लोगों से पैसा लेते हैं, ये लोग अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के नाम पर प्रॉपर्टीज खरीद कर जब पैसा देने की बात आ जाती है तो इनके हवारी जो पहले इन्वेस्ट किए हुए होते हैं इनके हवारी आकर इनकी ताईद में वीडियोस बनाते हैं और पुलिस से मांडवाली कर ये लोग कोर्टों से बचकर बाहर निकल जाते हैं, जिससे इन मासूम लोगों का पैसा डूब जाता है। मैं इस तरह के स्कैमों से बचे रहने हैदराबाद और हिंदुस्तान और बर्रज़ग़ीर में रहने वालों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे इन्वेस्ट करने वालों से बचें। एक तो ये सूदी कारोबार होता है, दूसरा इनके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई परमिशन नहीं होता, तीसरा इनके पास सेबी का कोई परमिशन नहीं होता। अल्लाह रसूल और मुसलमानों का नाम लेकर, कुरान हदीस अहले बैत का नाम लेकर मुसलमानों को लूटा जा रहा है। आखिर हमारे गयूर मुसलमानों को क्या हो गया, खुसूसकर हमारी बहनों को इसका निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर मुसलमान औरतें जो ऑटो चलाने वालों की बीवी होती है, जो पान के डब्बे वालों की बीवी होती है, जो कई एम्प्लॉय की बीवी होती है, उसको इस तरह के शेयर मार्केट के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर, चिट्ठियों के नाम पर, लकी ड्रा के नाम पर इस तरह लूटा जा रहा है। इसे सबको बचने की जरूरत है। इंशाल्लाह ताला ये लोग आज हमसे रुजू हुए, जिस तरह हमने हीरा ग्रुप का काम किया, जिस तरह हमने एचवाईसी का काम किया, जिस तरह बुशरा सिराज स्कैम का काम किया, उसी तरह तर्ज पर इंशाल्लाह ताला हमने 2 वकलाओं से बात की है, जिसमें मोहम्मद इमरान खान साहब हैं जो IHO NGO चलाते हैं उन्होंने, और जनाब सुभान साहब, अब्दुल सुभान साहब ने भी फ्री इनका केस लड़ने की बात की है। इंशाल्लाह ताला इनके चेकों को बाउंस कराकर नोटिसेस जारी की जाएगी और एक नया FIR इंशाल्लाह ताला कराकर पुलिस पे दबाव बढ़ाकर इनके पैसे इनको वापस दिलाने की हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.